कई दे रहे थे बस वलत दे रहे चाहिए। प्लीज अगर बेंड होगा, अगर आप प्लीज बेंड करके प्रैक्टिस करोगे जमीन छोड़ने से पहले, अगर आप फीट को उठाओगे तो ये इससे लगेगा, जिससे आपके फिंगर्स में बहुत तेज चोट लग सकती है। एडी एडी ये एडी जो ऐसे उठा लो तो आज हम जो पहला जो हमारा कलरी में जो फर्स्ट किक होता है, राइट, किक को किस तरीके से कलरी में करते हैं और किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है और किस तरीके से करके आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो, इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द फर्स्ट किक इन कलरी पाई टू। अगर इसको जो कलरी में जो सीखने का तरीका जो होता है वो मलयालम लैंग्वेज में कमांड होते हैं जिसको बोला जाता है कलरी के अंदर फ्रॉम द गुरुकुल। सो बच्चे उसको सुन के प्रैक्टिस करते हैं। तो जो पहला जो लेग रेस है उसका नाम है नेर काल। नेर मतलब स्ट्रेट, काल मतलब लेग, यानी कि स्ट्रेट लेग। तो जो फर्स्ट लेग रेस है उसको किस तरीके से करना है करके हम देखेंगे। कहीं दे रहे थे बस वलत दे रहे इडत दे रहे वलत दे रहे इडत कहीं दो क्या बस नहीं बस वलत दे रहे इडत दे रहे वलत दे रहे इडत कहीं दो क्या बस नहीं बस। तो आपने देखा कि किस तरीके से नेरकाल को किया है। अभी इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब आप इसको घर पर प्रैक्टिस करोगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा या तो आप चोट खा जाओगे या तो फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मतलब करते रह जाओगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट होने के लिए गोल क्या है, किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, ये क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना होगा। शुरुआती तौर पे जो कमांड होता है सबसे पहला कमांड कई देरे दिवर्त। तो कई देरे दिवर्त में आपको दोनों हाथ को ऊपर खींच कर रखना है, अपने बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और जब आप पैर उठाएंगे तो आपको सबसे पहला ये जो ध्यान रखना है कि ये जो खाल सी यानी ये जो देर काल हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए और सीधे खड़े होकर जब आप किक करोगे तो आप गिरो ना। और आपके एक्सट्रीम बॉडी बैलेंस को बनाने के लिए जो है ये हाथों को ऊपर रख के किक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग समझने लगते हैं कि भैया कलरी पैंट में किक ऐसे क्यों करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कभी लड़ाई हो जाए तो आप जो है हाथ ऊपर करके मारोगे, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ को गेन करना या जो आपका बॉडी का जो बैलेंस है उसको गेन करना। तो शुरुआती तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पैर को ज्यादा ना उठाएं। जब आप पैर उठाएंगे आप अपने कमर के बराबर तक उठाएंगे, बस इतना ही उठा के आपको प्रैक्टिस करना है शुरुआती तौर पे, इतना ही, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। और किन चीजों का ध्यान रखना है, आपका ये नीज बिल्कुल सीधा हो, ये नीज बेंड नहीं होना चाहिए। नीज अगर बेंड होगा, अगर आप नीज बेंड करके प्रैक्टिस करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नीज सीधा होना चाहिए और उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये जो फीट है ये भी ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ फिंगर होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे भी कुछ नहीं होगा ये। तो अल्टीमेट गोल क्या है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे इस बात का ध्यान रखना कि आपका हैमस्ट्रिंग्स खिंच रहा हो यहाँ और कहीं पे जोर नहीं लगना। जोर कहाँ पे लगना है, आपके हैमस्ट्रिंग अच्छी तरह खिंच रहा हो और हर किक में आपको धीरे धीरे हैमस्ट्रिंग्स खींच के ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब आप पैर उठाओगे अपने जमीन से तो आपको ये ध्यान रखना है कि जमीन छोड़ने के बाद ही आपको अपने फीट को सीधा करना है। जमीन छोड़ने से पहले अपने फीट को सीधा करोगे तो क्या होगा, एक ये भी हम देख लेते हैं। जमीन छोड़ने से पहले अगर आप फीट को उठाओगे तो ये इससे लगेगा, जिससे आपकी फिंगर्स में बहुत तेज चोट लग सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। फिंगर्स टूट सकते हैं जो कि अगेन स्मॉल काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, दोबारा से जब भी आप पैर उठाओगे जमीन छोड़ने के बाद आप अपने किक्स को उठा के प्रैक्टिस किया करें। इस तरीके से होल्ड करना है हर किक के बाद। आप ध्यान रखना है कि भैया ये आपका होल्ड हो रहा हो तरीके से, इसको रिलैक्स नहीं करना है यहाँ पे।
और इस पैर को आगे रखते ही लेफ्ट किक उठाना है। गो वलत नेरे इडत कई की नोकी अमर देवर जैसे अपने आधा किक को उठा के जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे कोशिश ये करना है कि आपके ये जो हाथ जिस तरीके से आपने रखा है उसी डायरेक्शन में ये लेग मूवमेंट भी हो रहा हो, इसका ध्यान रखना कि पैर इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जहां पे आपने हाथ रखा है सीधा उसी डायरेक्शन में पैर सीधा आना है। एंड धीरे धीरे आप जब पैर उठाओगे तो उठाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट है वो आपके हाथों की तरफ होना चाहिए, कि आपका फीट जाके हाथ पे लगे, जाके जिस तरीके से वलत ले रहे ये, तो ये टारगेट रखना है आपको कि वहां पे जाके लगना है, तो एक ऑब्जेक्ट का टारगेट रखना है। धीरे धीरे जब आपका पैर जब हाथ की तरफ लगने लगेगा एडत ले रहे लगने लगेगा तो आपको कोशिश कर रहा है कि ये जोर से मार के हाथ पे सीखे ताकि आपका जो बैलेंस भी प्रॉपर आ जाए और ये हैमस्ट्रिंग भी खींच के आए सीधे खड़े हो जाए। तो ये नेरकाल को करने का अल्टीमेट गोल यही है कि एक्सट्रीम बैलेंस को बिल्ड करना शरीर के अंदर, बैलेंस को बिल्ड करने के साथ साथ उस प्रयोग को भी यूज करना। तो इसमें एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने राइट किक करते हो तो जो लेफ्ट वाला पैर आपका है वो जो उसको आप उठाना नहीं, फीट मतलब एडी नीचे से उठाना नहीं, ये एडी जो ऐसे उठा लोगे तो इससे भी आपको डिसबैलेंस का होता है और एक गलत वे ऑफ प्रैक्टिस है वो। दोबारा एक बार करके देखो, ऐसे एडी उठा के ये पैर उठा के ये इस तरीके से ये जो एडी उठा लोगे आप तो आपका बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना है जब भी आप अपने पैर को आगे रखते हो और पैर को आगे रखने के बाद जब आप किक उठाते हो तो ये थोरोली जमीन पर रख के उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको अचीव करने का एक ही तरीका है, इफ यू प्रैक्टिस इट रेगुलर, ये एक शॉर्टकट है इसका। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कलरी पॉइंट का एंटर करने के कलरी में, जो अल्टीमेट गोल है आपका कि भाई कहाँ, मतलब ये हम लोग जो है कि कब तक सर इसको प्रैक्टिस करना है, मतलब क्या है, मतलब आप सोच सकते हो कि भैया कि कहाँ तक इसको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने का जो आपका जो गोल ये होना चाहिए कि पैर उठाते हो तो ये आपकी जो थाइस है ये थाइस जाके आपके छाती पे लगना है, ये थाइस जाके आपके छाती पे लगना है, और छाती पे सिर्फ लगना ही नहीं है, छाती पे लगने की आवाज भी आ, तो दिस इज व्हाट योर गोल इज। तो दिस इज यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आप समझ लो कि आपने आधी कलरी माइंड ही सीख लिया, बाकी सारी चीजें जो है इसी के बेस पे आपको करना है। तो कलरी में आप इसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, गुरु किस तरीके से कमांड देता है और कैसे इसको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं आप एक बार दोबारा इसको देख सकते हैं। देवर वलत देरे एडत देरे वलत देरे एडत कई की दोकी अमर देवर। अब आपने ये देखना है कि भाई आपको किस तरीके से स्टार्टअप करना है, शुरू किस तरीके से करना है, आप किस तरीके से इसको शुरुआत करोगे, कितना पैर उठाओगे, कैसे आप बैलेंस करोगे, इन चीजों को भी आपको देखना है। वलत दे रे एडत दे रे वलत दे रे एडत गई की दो की अमर देवर। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है, पैर बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की ध्यान नहीं रखना, आपको अपना बॉडी का बैलेंस बनाने का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आप बैलेंस बनाओगे वैसे वैसे धीरे धीरे अपने पैरों को आप ऊपर की तरफ उठाना है और इसको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे ही हो प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, जमीन पे फीट मारने का ध्यान रखना, बस यही एक चीज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते हैं। कीप डूइंग इट।